नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं जो चर्चा कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास की। आज हम जो चर्चा करने वाले थे, एक्चुअली में हम लोग राइजोपस की चर्चा करने वाले थे। फिर मैंने एक चीज महसूस की कि पिछले कई वर्षों से ऐसे भी फंगस का डाटा आपका जर्नल करेक्टर से उठाता है, या क्वेश्चन बने हैं, या बार बार पूछे जा रहे हैं, जो कि आपके सिलेबस में है नहीं, मगर बार बार उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। और आप चैलेंज इसलिए नहीं कर सकते कि भाई सिलेबस में नहीं तो क्वेश्चन क्यों पूछ दिया, क्योंकि जब जनरल करेक्टर है तो वो वहां जवाब देते हैं कि ये क्वेश्चन फंगस के जनरल करेक्टर से पूछ दिया गया है। तो स्पीसीज है सिनकाइट्रियम, मैंने नहीं देखा है सिनकाइट्रियम, तो हम सिनकाइट्रियम की बात करते हैं। एक जाति है सिनकाइट्रियम, ये सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम। जो सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम है, हम इसकी चर्चा करेंगे या आ, आ, इसकी आपसे बात करेंगे, सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम की। एक बिल्कुल लाइट कलर ले तो सही समझ में आएगा, आएगा सही। हाँ ठीक है, सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम जो है, ये सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम। थोड़ा चौड़ा कर ले, वैसे होगा ना, इससे होगा। तो हम बात करने वाले हैं सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम की। सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम होता क्या है, यह एक कवक है। यहां से जो क्वेश्चन देखिए, हम आपके साथ उतना ही आपके साथ डिस्कस करेंगे, या उतनी ही क्लास आपकी लेंगे जितनी क्लास से एग्जाम में क्वेश्चन बने। हम पूरा इंडोबायोटिकम पढ़ाने लगे बीएससी की तरह, तो 3 दिन या 3 क्लासेस चलेंगे जब हम सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम खत्म करेंगे। तो हमें थ्योरी के बेस पर तैयारी नहीं करनी है, हमें तैयारी किस बेस पर करनी है, ये भी तो क्वेश्चन था। हमें तैयारी किस बेस पर करनी है, हमें ऑब्जेक्टिव बेस पर तैयारी करनी है, जिससे हमारा एग्जाम क्रैक हो सके। तो सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम से क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, क्वेश्चन। सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम से क्वेश्चन क्या पूछ देता है, पूछता है कि ब्लैक वर्ट डिजीज ऑफ पोटैटो किससे होती है, ब्लैक वर्ट डिजीज ऑफ पोटैटो किससे होती है, या किसके द्वारा होती है, या इस रोग को प्राय फैलाने का कार्य कौन करता है, कौन, ब्लैक वर्ट ऑफ पोटैटो। ब्लैक बर्ट ऑफ पोटैटो का मतलब होता है आलू का जो मस्सा रोग होता है वह कौन फैलाता है। इसमें क्या होता है, जो आलू होती है, आलू पर छोटे छोटे इस तरह से मसे पड़ जाते हैं, या छोटे छोटे मसे के मुंह में संरचना दिखाई देती है, जिसे हम आलू का मस्सा रोग बोलते हैं, या वर्ड डिजीज ऑफ पोटैटो। तो वर्ड डिजीज ऑफ पोटैटो किससे होती है, तो सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम से होती है। रट लीजिएगा, हर एग्जाम में टीजीटी हो, पीजीटी हो, या आप जनरल पीसीएस वगैरह का कंपटीशन दे रहे हैं तो जनरल करेक्टर से पूछ देता है वर्ट डिजीज ऑफ पोटैटो, या आलू का मस्सा रोग किससे होता है। तो वर्ट WART है, WART, वर्ट डिजीज ऑफ पोटैटो किससे होता है, तो सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम से वर्ट डिजीज ऑफ पोटैटो होता है। यह जो कवक है वह किस प्रकार का कवक है, तो हम आपको बता दें यह केवल यूनिसेलुलर कवक है। यह कैसा होता है, यूनिसेलुलर का मतलब होता है केवल एक कोशिकी कवक है। ध्यान रखिए कैसा होता है, एक कोशिकी कवक है और ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये सिर्फ आलू का अगर फंगस है तो आलू में ही पाया जाएगा, दूसरी जगह कहीं भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं अविकल्पी, अविकल्पी परजीवी है। कैसा है, अविकल्पी परजीवी है, जिसके पास कोई भी विकल्प नहीं है। ये किस प्रकार का परजीवी है, तो ये प्रायः अविकल्पी परजीवी है, जिसके पास कोई भी विकल्प नहीं है। तो ये कैसा है, अविकल्पी परजीवी है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, क्या बना, वर्ल्ड डिजीज पोटैटो किससे हुआ, आप आंखें बंद करके लगा के आ गया सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम। आपसे पूछेगा ये परजीवी, आपसे पूछेगा सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम किस प्रकार का परजीवी है, तो या तो पैरासाइट दिया रहेगा और या फिर ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट को लगाना है अविकल्पी परजीवी, यानी ये जिसमें पाया जाता उसमें पाया जाएगा, उसके अलावा ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। अदर होस्ट क्या है, इसके अलावा, मतलब ये आलू के अलावा और किसमें पाया जाता है, फंड में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, और एल्गी में भी परजीवी के रूप में देखने को मिलता है। फिर ध्यान रखिएगा, फिर और क्या क्वेश्चन बनता है, इनका जब अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन से जो क्वेश्चन बनेगा, तो ध्यान रखिएगा, इनका जो अलैंगिक जनन होता है, कौन सा अलैंगिक जनन, अलैंगिक
जो जनन होता है उसमें समर स्पोर बनते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है समर स्पोर किसमें बनते हैं, तो जब इसका अलैंगिक जनन होता है तो उसमें विशेष प्रकार के स्पोर बनते हैं जिसे ग्रीष्म बीजाणु या ग्रीष्म स्पोर के नाम से जानते हैं, और विंटर स्पोर जो है यानी शीत जो स्पोर है, विंटर जो स्पोर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं या लैंगिक जनन में बनते हैं, रिप्रोडक्शन। तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि विंटर स्पोर सिंकाइट्रियम में कब बनते हैं, तो वो लैंगिक जनन में बनते हैं। ए सेक्सुअल स्पोर कब, मतलब विंटर स्पोर समर स्पोर सॉरी गर्मी वाले स्पोर कब बनते हैं, तो आप वहां टिक करेंगे कि गर्मी वाले जो स्पोर बनते हैं वो अलैंगिक जनन में बनते हैं। इतना समझ में आ गया। फिर आपसे इसके जू स्पोर के बारे में पूछ सकता है, क्वेश्चन करेगा जू स्पोर के बारे में। तो इसके जू स्पोर के बारे में हम आपको बता दें कि जो इसका जू स्पोर होता है, ये जो इसका जू स्पोर है वो यूनिफ्लैजलेट होता है, एक फ्लैजिला वाला होता है, यानी इसमें सिंगल ओम फ्लैजिला पाया जाता है। कैसा फ्लैजिला पाया जाता है, केवल एक फ्लैजिला पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है यूनिफ्लैजलेट फंगस कौन सा है, तो आप सिंकाइट्रियम को लगा के आइएगा। किसको लगा के आइएगा, सिंकाइट्रियम को। आपसे पूछ देगा यूनिन्यूक्लिएट यानी एक केंद्रक वाला होता है, और आपसे अक्सर एग्जाम पूछ देता है कैसा होता है, तो नेकेड होता है यानी सेल वाल का अभाव होता है। तो इतनी चीजें केवल सिंकाइट्रियम से आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है, इसके अलावा और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। फिर कुछ टर्म है जो बार बार टर्म एग्जाम में देते हैं, ध्यान रखिएगा एग्जाम में कई बार ये टर्म पूछते हैं, जैसे होलोकार्पिक और यूकार्पिक आपसे पूछ देता है। होलोकार्पिक क्या होता है, तो होलोकार्पिक का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछ देगा कि एग्जाम में कि ये होलोकार्पिक क्या होता है, तब आप होलोकार्पिक को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे या आप किस प्रकार से आप बताएंगे कि होलोकार्पिक बवाल क्या है। तो ध्यान रखिएगा होलोकार्पिक में हम क्या लगाएंगे, होलोकार्पिक में क्या होता है, कंप्लीट बॉडी कन्वर्ट टू द सेक्स ऑर्गन्स। होलोकार्पिक में क्या होता है बोलेंगे, कंप्लीट बॉडी कन्वर्ट टू सेक्स ऑर्गन्स, यानी पूरा का पूरा कवक का अगर शरीर जनन अंग में परिवर्तित हो जा रहा है तो इस प्रकार के कवक को होलोकार्पिक कहते हैं। तो सिंकाइट्रियम किस प्रकार का है, होलोकार्पिक है, क्योंकि एक कोशिकीय होता है, इसका पूरा का पूरा शरीर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पूरा का पूरा शरीर कन्वर्ट हो जाता है सेक्स ऑर्गन्स में, सेक्स अंग बन जाते हैं, तो इसे होलोकार्पिक बोलते हैं। यूकार्पिक क्या होता है, यूकार्पिक का मतलब होता है सम पार्ट कन्वर्ट टू सेक्स ऑर्गन्स। जब बॉडी का कुछ हिस्सा, यहां क्या होंगे, जिसमें शरीर का कुछ हिस्सा जनन अंग में बदल जाता है, जनन अंग में बदलता है, तो इस प्रकार के फंगस को यूकार्पिक कहते हैं। मान लो ये माइसीलियम है, ये माइसीलियम है, और माइसीलियम में से यहां जनन अंग बन गया ये इतना, तो ये कहलाएगा, ये फंगस क्या कहलाएगा, यूकार्पिक कहलाएगा। मान लेते हैं एक कोश की, जैसे ये सिंकाइट्रियम है, मान लो ये सिंकाइट्रियम एंडोबायोटिकम है, और ये पूरा का पूरा जनन अंग में परिवर्तित हो गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में परिवर्तित हो गया, तो ये कहलाएगा होलो। होलो का होल का मतलब होता है कंप्लीट, द कंप्लीट बॉडी कन्वर्ट इन द सेक्स ऑर्गन्स, जब पूरा का पूरा शरीर ही जनन अंग में परिवर्तित हो जाए होलोकार्पिक। जब ऐसे कवक जिनके माइसीलियम का या हाइफी का या बॉडी का कुछ हिस्सा ही जनन अंग में बदले, बकाया हिस्सा नॉर्मल रहे, तो उसे हम यूकार्पिक बोलते हैं। फिर आता मोनोसेंट्रिक क्या होता है, मोनोसेंट्रिक क्या होता है, ये भी आपसे कोश पूछ सकता है। ओनली ए सिंगल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, मोनोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, ओनली, थोड़ा सा और ऊपर करें या कलर चेंज कर लें, मोनोसेंट्रिक क्या होता है, चलो ऊपर कर लेते हैं, यहां तो मोनोसेंट्रिक क्या होता है, ये ले लेते हैं मोनोसेंट्रिक, सॉरी ये मोनोसेंट्रिक यहां लिख लें,
मोनोसेंट्रिक क्या होता है। मोनोसेंट्रिक का मतलब होता है, क्या होता है मोनोसेंट्रिक में, ओनली ए सिंगल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, केवल एक जनन अंग हो, केवल एक जनन संरचना हो, जनन संरचना, अगर केवल एक जनन संरचना पाई जा रही, केवल एक, तो ऐसे फंगस को मोनोसेंट्रिक बोलेंगे। पॉलीसेंट्रिक का मतलब क्या है, अगर हम पॉलीसेंट्रिक की बात करें, कौन सी बात कर रहे हैं, पॉलीसेंट्रिक की। पॉलीसेंट्रिक किसे कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इसलिए बता रहे हैं, क्या होता है, हैविंग मोर देन वन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, हैविंग मोर देन वन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जब एक से अधिक, यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे इस कलर से, जब एक से अधिक जनन अंग बनते हैं, जनन संरचना बनती है, संरचना होती है तो, होती है तो उसे हम पॉलीसेंट्रिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलीसेंट्रिक के नाम से जानते हैं। तो आप सब जान गए, होलोकार्पिक यूकार्प, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, होलोकार्पिक फंगस कौन सा है, तो सिनकाइट्रियम को लगा के अंदर, यूकार्पिक में लगभग आ जाते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या पूछ देंगे, तो ये आप वीडियो रोक रोक के नोट्स बना लीजिएगा। एक आता है इंडोबायोटिक, एक शब्द आता है इंडोबायोटिक, क्योंकि सिनकाइट्रियम कैसा, इंडोबायोटिक होता है। इंडोबायोटिक का मतलब क्या होता है, इंडोबायोटिक का मतलब था लिव कंप्लीटली विद इन द सेल ऑफ द होस्ट, विद इन द सेल ऑफ होस्ट, यानी पूरा का पूरा शरीर जो होता है वह होस्ट बॉडी के अंदर पाया जाता है, होस्ट बॉडी के अंदर पाया जाता है। ऐसे परजीवी जो होस्ट बॉडी के अंदर या शरीर के अंदर रहते हैं उसको इंडोबायोटिक बोलते हैं। एपीबायोटिक क्या होता है, एपीबायोटिक का मतलब होता है, यहां लिख लेते हैं एपीबायोटिक, एपीबायोटिक क्या होते हैं, ये कब कौन से, विद इन द सेल द क्या होता है, कंप्लीटली लिव इसमें क्या होता है, एपीबायोटिक में रिप्रोडक्टिव बॉडी इज प्रेजेंट ऑन द होस्ट सरफेस, रिप्रोडक्टिव बॉडी प्रेजेंट ऑन द होस्ट सरफेस। जब ऐसे क्या एपीबायोटिक क्या होते हैं, जिनके जनन अंग बनते हैं तो जो होस्ट है जिसके अंदर रह रहे हैं उसकी सरफेस के बाहर निकल आते हैं, उसकी सतह पर जनन अंग निकल आते हैं, तो ऐसे कंडीशन को एपीबायोटिक कहते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। और एक क्वेश्चन और सिनकाइट्रियम से उठता है, पूछता है सिनकाइट्रियम किस क्लास का सदस्य है, तो काइटिडियोमाइसिटीज का सदस्य है, किसका है, काइटिडियोमाइसिटीज ना दिया हो तो फाइकोमाइसिटीज को लगा के आना, वैसे क्या काइटिडियोमाइसिटीज का सदस्य है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे विशेष तौर पर। इसीलिए इसको मैंने बाकायदे लिखा है, इसके नोट्स नहीं बनाए थे मैंने, देखा कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसके लिए फिर नोट्स हमने बाकायदे बोर्ड पर लिखा और हमने आपसे बोर्ड पर लिख कर डिस्कस किया, क्योंकि टाइम बहुत टूटता है ना, अब हम पता लगा आपको पढ़ाएंगे तो दिक्कत होगा। एक और फंगस बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, सैप्रोलेग्निया, कौन फंगस है, सैप्रोलेग्निया, ये एक कवक है सैप्रोलेग्निया। सैप्रोलेग्निया किसका सदस्य है, तो ऊमाइसिटीज का सदस्य है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं सैप्रोलेग्निया किसका सदस्य, ऊमाइसिटीज का है। सैप्रोलेग्निया को वाटर मोल्ड के भी नाम से जानते हैं,
किसके नाम से जानते हैं? सैप्रोलेग्निया को वाटर मोल्ड के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जल में पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? एक्वाटिक एंड सैप्रोफाइटिक होता है, जनरली ये जलीय होते हैं, जल में पाए जाते हैं, और सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है मृतोपजीवी होते हैं, सड़े गले पदार्थों पर उगाते हैं। इसकी एक जाति है, ध्यान रखिएगा, इसकी जाति है सैप्रोलेग्निया पैरासीटिका, सैप्रोलेग्निया पैरासीटिका नाम की जो जाति है, और एक दूसरी जाति है सैप्रोलेग्निया फेरिक्स, FERX फेरिक्स। ये कहां पाई जाती है? ये पैरासाइट है, यह जाति परजीवी है। देखिए सारी जातियां मृतोपजीवी हैं, मगर इनकी कुछ गिनी चुनी जातियां ऐसी हैं, वो कैसी हैं? जो इनकी गिनी चुनी जातियां हैं वो परजीवी हैं। और कहां पाई जाती है? फिश पर, मछली में पाई जाती है, मछली के ऊपर पाई जाती है, फिश और डियर एग मछली पर पाई जाती है या मछली के अंडों पर पाई जाती है। और ये मछलियों में एक रोग फैलाती है, उस रोग को हम बोलते हैं सालमोन डिजीज या सालमोन रोग के नाम से जानते हैं। ये क्या फैलाती है? सालमोन रोग को फैलाती है। प्रोड्यूस टू टाइप स्पोर, ये दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, सैप्रोलेग्निया में दो प्रकार के स्पोर बनते हैं। पहला स्पोर प्राइमरी स्पोर कहलाता है, दूसरा सेकेंडरी स्पोर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेकेंडरी या द्वितीय, दो प्रकार के स्पोर बनते हैं। और इन्हीं दो प्रकार के स्पोर बनने के कारण इस घटना को हम क्या, किस नाम से जानते हैं? तो इस घटना को हम डिप्लेनेटिज्म के नाम से जानते हैं, डिप्लेनेटिज्म के नाम से जानते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिप्लेनेटिज्म किसमें पाई जाती है, डिप्लेनेटिज्म किसमें पाई जाती है? तो डिप्लेनेटिज्म सैप्रोलेग्निया में पाई जाती है। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि डिप्लेनेटिज्म किसमें पाई जाती है, तो डिप्लेनेटिज्म जो है वो आप रटेंगे, सैप्रोलेग्निया में पाई जाती है। अगर पूछ दे क्यों, क्योंकि इनमें दो प्रकार के जूस्पोर बनते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी जूस्पोर बनते हैं, और इनके जूस्पोर को हम डिप्लेनेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लेनेटिक के नाम से जानते हैं। इनका और एक करेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोलीफिरेशन ऑफ जूस्पोरेंजियम, इनके जूस्पोरेंजियम में प्रोलीफिरेशन पाया जाता है। प्रोलीफिरेशन का मतलब होता है इनकी जो जूस्पोरेंजिया होती है, इनमें बीच बीच में सेप्टा बने होते हैं, जूस्पोर जब निकल जाते हैं तो फिर नीचे वाले सेप्टा टूटता है, तब जूस्पोर निकलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोलीफिरेशन। ये इनका विशेष लक्षण है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है प्रोलीफिरेशन किसमें देखने को मिलता है, किसके जूस्पोरेंजियम में? सैप्रोलेग्निया के स्पोरेंजियम में देखने को मिलता है। सैप्रोलेग्निया से इतना ही इंपॉर्टेंट, इसके अलावा सैप्रोलेग्निया से एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। और ये जो चार लाइनें देख रहे हैं ना, इन चार लाइनों का मैटर निकालने के लिए हमें दो बार पूरी स्पीसीज का लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, जनरल करेक्टर, ऑक्रेंस, क्लासिफिकेशन सब पढ़ना पड़ा, तब ये आपको इतना मैटर जो आप देख रहे हैं ना, छह लाइनें, ये छह लाइनें कम से कम 20 से 25 मिनट हमने पढ़ा, आधा घंटे के लगभग, तब जाके ये छह लाइनें निकली, और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। यही डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी की खासियत है कि हम उन्हीं चीजों की आपसे चर्चा करते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, हम किसी भी इतर चीज की चर्चा नहीं करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए ना पूछा जाए। अच्छा, एक एकाइला जो है, एक और ध्यान रखिएगा, एकाइला, एकाइला इसको भी ध्यान में रखिएगा। एक्चुअली में इसके सेम करेक्टर, एकाइला के करेक्टर सैप्रोलेग्निया तक होता है, इसको भी हम वाटर मोल्ड के भी नाम से जानते हैं। मान लो कभी पूछ दे कि वाटर मोल्ड और सैप्रोलेग्निया ना दिया हो, और वाटर मोल्ड पूछ दे तो किसको लगाना है फिर वहां? एकाइला को। एकाइला भी पैरासाइट, मतलब एक्वाटिक सैप्रोफाइट होता है, जल में पाया जाने वाला मृतोपजीवी है। इसकी कुछ जातियां परजीवी होती है सैप्रोलेग्निया की। एकाइला इफेक्ट ऑफ हार्मोन, हार्मोन का अध्ययन किया गया, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, लैंगिक जनन, लैंगिक जो अंग है उनके डेवलपमेंट में एकाइला पर अध्ययन किया गया कि जो लैंगिक अंग है उन पर हार्मोन का प्रभाव क्या होता है। इसका अध्ययन किसने किया था? रैपर ने किया था। किसने किया था? रैपर ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ये जो लाइन है एकाइला की आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। एक सेक्स ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट का अध्ययन किया गया कि हार्मोन्स का क्या प्रभाव होता है, वो किस पर किया गया था? एकाइला पर किया गया था। किसने किया था? रेपर ने किया था। ये पॉइंट नोट करके रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
ये दो कवक थे, सिनकाइट्रियम और एकाइला। तो हमने उनकी सिनकाइट्रियम और एकाइला दोनों की आपके साथ चर्चा कर ली है, जिससे आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। हमने इन दोनों को बाकायदे आपके साथ डिस्कस कर लिया है, जो हमारे मुख्य बैकबोन थे, जहां से साइप्रोलैग्निया और सिनकाइट्रियम से जो क्वेश्चन छूट रहे थे, वो हमने साइप्रोलैग्निया और सिनकाइट्रियम की चीजें आपके साथ अध्ययन कर ली है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, समझ गए होंगे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। हमने ये पूरी कोशिश की है। अब आप क्या करेंगे? अब हम करेंगे ये कि नेक्स्ट फंगस का अध्ययन करेंगे, और वो फंगस कौन सा है? राइजोपस। कौन है? राइजोपस। अब हम राइजोपस का अध्ययन करने जा रहे हैं।